वालेकुम दोस्तों एक और बिला के साथ अज़र हफीज़ हाजिर खिदत है आज मैं आपको सुनाऊँगा कि ज़िंदगी में मैंने खाने कैसे कैसे खाए कै। मुझे याद है कि 1990 में नया नया पिज़्ज़ा आया मार्केट में हमें पिज़्ज़ा का पता नहीं था हम गांव के बच्चे थे एन में पढ़ते थे अब शाह हमारे एक मशहूर ज़माना दोस्त हैं जिनका पहले भी कई व्लॉग्स में जिक्र हो चुका है शाह साहब थे मैं था और एक हमारे साथी एन की क्लास फैलो थी नाम उनका सीगर आज़ में रखते हैं हम में वो लेकर जीनोज़ पिज़्ज़ा आया था मेन बुलेवार्ड पे वहाँ ले अब जब वहाँ पहुँचे तो एक मेन्यू कार्ड सामने आया तो मेन्यू कार्ड राव साहब ने देखा उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा उन्होंने कहा जी देखें इसका बिल जो है वो मैं अदा करूँगा ऑर्डर जो है ना वो मियाँ आजहर देगा यानी मेरा नाम आजर हफीज़ है तो कुछ दोस्त प्यार से मियाँ भी कहते हैं हमारी बरदरी की वजह से जब वो मेरे सामने आया तो उस पर जो नाम लिखे हुए थे मैं उन नामों के कभी करीब से भी नहीं गुज़रा था मैंने कहा मैं ऑर्डर गलत करूंगा तो क्या होगा तो हमने वो जो ख़तून तीसरी साथ थी हमारी क्लास है लोग बहुत अच्छी दोस्त हैं इस्लामाबाद में रहती हैं आजकल उनके हाथ में मैंने कार्ड पकड़ाया और लैलपुरिया होने का फायदा उठाते हुए मैं कहा देखें ये खाना पकाना औरतों की फील्ड है इसका फ़ैसला आपको ही करना चाहिए कि क्या आप जाए उन्होंने कोई भी फजीटा या जो भी अब ब्लैक डायमंड और फोर डायमंड और तो नहीं कौन कौन मुश्किल नाम थे उनमें से एक नाम ऑर्डर कर दिया जो फ़ोर लोगों की सर्विंग थी थोड़ी देर बाद पिज़्ज़ा आ गया अब उसके चार पोर्शन थे एक पोर्शन मेरे प्लेट में हम रख लिया एक मैंने साहब की प्लेट में रख दिया और एक बीबी ने ख़ुद उठा लिया और अगर किसी को ज़रूरत होगी तो चौथा पीस काम आ जाएगा अब हमने कभी उससे पहले पिज्ज़ नहीं देखा था अब क्या होता है कि पहले तो हमने उसको कांटे सान्टे से काटने कूटने की कोशिश की छुरी कांटे से तो एक मुश्किल मरल था नहीं काट रहा था फिर हमने कहा अब ना खाएं तो बेचती है उस बीबी के आ गए कई यार ये इतने पेंडू हैं क्योंकि मैं लैलपुर से था और राव दिल शाह साहब बहादुर नगर फार्म उखाड़ा से थे राव साहब ने मुझे टाँग हल्की सी लगाई उन्होंने कहा खा जा हमने उसको कैसे शहचे लगाई और हम खाना शुरू हो गए और जो हमारी सात दोस्त बैठी थी उनके कान भी लाल हो रहे हैं मुंह भी लाल हो रहा है और बार बार बैठे कह रहे हैं मैनेजर को बुलाओ हमने अगर पता नहीं इनका गुस्से वाला माहौल है शायद बाजी इसलिए गुस्से में आ गई हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया जब वो ख़त्म हो गया तो मैनेजर साहब पता नहीं कितने मसरूफ़ आदमी थे वो तशरीफ ले आए तो हमारी दोस्त ने एक मुनासिब सी बुलंद आवाज़ में गाली दी उसको और उसे कहा कि वो पठे तुम जो है उससे पहले वाला लफज हम सेंसर कर जाते हैं तुम जो है कच्चा पिज़्ज़ा सर्व करते हो अब हमें पता चला वो जो टूट आट नहीं रहा था उसकी वजह ये थी कि वो पिज़्ज़ा कच्चा था उन्होंने तो कहा मैम सॉरी मैं दूसरा ला देता हूँ जब वो बाजी ने हमारी प्लेटों के अंदर देखा तो हम तो हड़प कर चुके थे अब हमें यह था हॉस्टल में रहते हैं रात का पेट ख़राब हो जाएगा या दर्द शुरू होगी तो इसके जिम्मेदार हम ही होंगे तो वो फिर दूसरा पिज़्ज़ा ले आया वो डेफ़िनेटली उसका जो था नीचे आटा होता है वो थोड़ा बेहतर था वो छोड़ी से काट भी रहा था लेकिन हम रात तक इंतजार करते रहे लेकिन पेट में बचत हो गई इस बात को तैतीस साल हो गए कल मैं और मेरी बेटी आयशा एक शूटिंग में थे तो उन्होंने क्या किया कि हमें ना एक ओ पी टी ओ पी टी पी नाम है या उसको कुछ कहते हैं उसका एक मेन्यू कार्ड मुझे पकड़ा दिया तो मैं फिर उन्नीस सौ नब्बे में पहुंच गया उसके नाम सारे देखने के बाद मैं कहा ज़रफ़ी कुछ जलालत ही ना हो जाए तो बेहतर है मैं कहा जी आप इस तरह करें कि जो चीजियस है उसका कुछ चीज़ देखें क्या होती है तो उन्होंने बताया स्टैकर होता है तो मेरी बेटी ने हल्की सी मुझे कौन नहीं करे कि जी ये ठीक होता है मैं कहा यार यही है जो हम रोज़ खाते हैं ये मंगवा लें वो मंगवाया गया हम खाया गया तो जो पेंडू बंदा है जैसे मुझे कुछ दस बीस साल तो चाइनीस राइस जो है वो फीके महसूस होते थे मैं नहीं खाता था या अभी भी मेरे से जो बच्चे मेरे मंगवाते हैं नूडल्स वग़ैरह वो नहीं खाई जाती मैक्रोनी नहीं खाई जाती क्योंकि मैं तो एक देसी आदमी हूँ तो मुझे याद आया कि उस्ताद बशीर हमारे प्रिंसिपल भी रहे हैं हमारे उस्ताद भी थे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जब मैं पास हुआ एन सी ए थे तो मैं उन्हें फ्लैटिस होटल ले गया वहाँ बूफे था अब्बा जी से मैंने पैसे लिए और उस्ताद बशीर को मैं मोटरसाइकिल पर साथ बैठाया और फ्लैटिस ले गया उस्ताद बशीर ने उसको थोड़ा माइंड किया कि इसने फजूल पैसे खर्च किए हैं खाना छा हम दोनों ने खाया खाने के बाद हम आ गए अनारकली अनारकली का बड़ा मशहूर करैक्टर है मीरा जो दूध दही का काम करता है साथ चाय भी बेचता है वैसी चाय हमसे अभी तक घर में कभी बनी नहीं मीरे की तरह की उस्ताद बशीर ने कहा पुराने पुरानी चल मैं पुराने नारकली गया तो उस्ताद बशीर ने ऐसे कहा कि हाथ जो है ना वो उसके आगे किया मीरे के उन्होंने कहा ना मीरा थोड़ा दही दही यार 미렌 ਨੇ ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਸੇ ਲੀਆ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੱਥੇ ਡਾਲਾ ਤੋ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸਕੋ ਪੀਆ ਔਰ ਕਹਿ ਲੰਗਾ ਅਜ਼ਰ ਹਫੀਜ਼ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਲੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਏ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਕਿਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰਬੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਸਕਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਨਾ वो शायद दुम्बा रोस्ट में भी नहीं है या बाकी सारी चीज़ों में नहीं है इस तरह कुछ चीज़ें हैं जिनका हम टेस्ट अच्छा टेस्ट जो है वो हमारा हमारी ज़रूरियात के मुताबिक बन जाता है एक दफ़ा की बात है कि वो जो सुबह नाश्ता होता है ग्यारह बजे वाला उसका नाम पता नहीं क्या मुझे नाम ही भूल गया तो वो नाश्ता हमारी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी उन्होंने कहा जी मेरे घर पर ना सैटरडे को वो है खा नाश्ता जी उसका उन्होंने को नाम भी लिया मुझे उसके नाम का नहीं पता था ये क्या होता है मैं कहा जी इतनी जल्दी तो मेरे से उठा नहीं जाता तो उन्हें कहा ये जो होता है ये होता ही ग्यारह बारह बजे है तो आप अगर चाहें तो आप आ जाइएगा तो हम जो संडे ब्रंच जो है ना ब्रंच उसको कहते हैं तो संडे ब्रंच जो है या सैटरडे ब्रांच ब्रंच जो है ना वो हम सारे इकट्ठे होंगे और गप शप करेंगे तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे वाकई मेरा ये ख्याल था कि नाश्ता तो सुबह आठ बजे क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने नाश्ता आठ बजे किया तो ब्रांच भी मुझे उस दिन पता चला इस तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की सीखीं जैसे मैं चाइना गया चाइना में मैंने बहुत सारे फूड खाए देखे अच्छा चाइना में जो मुस्लिम फूड है वो सबसे बुरा फूड है क्योंकि वो इतना ठंडा होता है अगर आप उनसे चरगा भी लेते हैं तो वो यख ठंडा होगा और जो आपसे खाया नहीं जाता तो वो आ, सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिनका नहीं पता था हलाल फूड खाने की मुकम्मल कोशिश की गई बीच में कुछ अगर खाया पिया गया हो तो अल्लाह माफ़ कर दे लेकिन जो देसी बंदा है उसको अपनी देसी खुराक पर ही जाना चाहिए मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो चम्मच और कांटा और छुरी ये तीन बर्तन चम्मच प्लेट में रख लेते हैं और उनसे खाने वाली जगह कम रह जाती है तो मेरा ख्याल है कि जो खाना के लिए एक चम्मच काफ़ी होता है लेकिन अब मैं देसी आदमी हो सकता मेरे से ना करते हैं दूसरा काम जो बहुत नायत लोगों का ख्याल है कि खाना जो है हाथ से खाना चाहिए बिल्कुल खाना हाथ से खाना चाहिए लेकिन जो डिशेज़ नबी वसल्लम के ज़माने में नहीं थी उनका नाम लेकर उसकी सुन्नत को बयान मत करें अगर आप देखना चाहें तो शादी ब्याह पर बहुत सारे लोग माशाल्लाह पहले सुन्नत के तौर पे हाथ से चावल खाते हैं उस पर साल डाला था फिर जो दस्तरखान बिछा होता है उससे हाथ साफ करते हैं तो मुझे उस वाली सुन्नत की समझ नहीं आती क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई भी हरकत सारी ज़िंदगी नहीं की तो अगर आप सुन्नत पे अमल ही करना चाहते हैं तो बर मेहरबानी उस तरीक़ाकार को अपनाइए जो मेरे नबी का तरीक़ाकार था खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं फिर मुझे याद है कि एक दो हम गाँव गए तो अब जो शहर में रो बिकती है या गन्ने का रस बिकता है वो बड़ा साफ़ सुथरा सा ना बड़ा मम्मी डैडी सा होता है क्योंकि उसके अंदर वो नींबू भी निचोड़ते हैं और उसमें पुदीना भी डालते हैं अदरक भी डालते हैं गन्ना धोते हैं फिर उसका जूस निकालते हैं जो गाँव में गुड़ के लिए निकल होता है वो गंदा मंदा सही होता है क्योंकि उस पर ही बड़ी आती है क्योंकि उसका छिलका छुलका सब कुछ बेची दबे जाता है अब क्या होता है कि मेरे दो कज़न चले गए मेरे साथ गाँव शिकार खेलने हम गए शिकारियाँ बहुत बड़े होते थे तो वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा जी कि रस पीना गन्ने की रो पीनी मैं कहा चलो बेला लगा हुआ था उन्होंने देखा मेरे वाला साहब वो सारे जानते तो उन्होंने हमें दिया मैं तो उन्हें कहा जी मुझे नहीं पसंद मैं नहीं पीना मुझे पता था इससे पेट खराब हो जाता है उन्होंने दो दो तीन दिन प्याले ना पिए मुफ्त की रस मिल रहा है शहर में तो इतना महंगा मिलता है तो फिर रात को वाशरूम एक था तो बंदे दो थे एक जो था वाशरूम के अंदर चला जाता था और एक बार नाली पे बैठ जाता था तो शिकार क्या खेलना था हमने भजीवा आवाज़ आती थी इधर न आना तो मेरे बर मेहरबानी जो चीज़ आपको समझ ना आती हो उसको खाकर टेस्ट करके फंसने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कई दफ़ा वो बासी हो चुकी होती हैं ख़राब हो चुकी होती हैं लेकिन हम अपने कम इलमी और सादगी में खा जाते हैं और अपनी सेहत को ख़राब करते हैं ये तो मेरी ज़िंदगी के कुछ वाक़ात थे जिनको मैंने अपनाया और देखा बहुत दफ़ा ऐसे होता है गोश्त गला नहीं होता दांत तोड़ते नहीं हैं और कुछ लोग वहाँ बैठ के उसकी तरीफ़ें गा रहे थे तो खाना जो है अब्बा जी मेरे कहते थे कि जो आँख को अच्छा लगे ना उसी को खाना चाहिए कल एक चाय हमने पी चाय का रंग इतना खूबसूरत नहीं था लेकिन जायका बहुत अच्छा था मुझे ऐसे लग रहा था थर्मोस में डाल के तो उसको गर्म करने के लिए रखा गया है लेकिन थी वो फ्रेश चाय जायका उसका ठीक था उसमें स्मेल नहीं थी लेकिन उसका जो रंग था ना वो मेरे रंग की तरह ज़रा गंद में ज़्यादा था तो होता यह है कि मेरा तो जो किसी चीज़ को दिल ना करे ना फिर मैं से वो खाई नहीं जाती और मैं तो विजुअल आर्टिस्ट हूँ और मेरी आँख अगर किसी चीज़ को कबूल ना करे तो मेरे लिए खाना मुश्किल हो जाता है मैं कई दफ़ा बुखा रहना पसंद करता हूँ चाइना में भी मैं कई कई दिन गर्मा और तरबूज खा कर गुजारा कर लेता था और ताकि मुझे जो है वो कोई हराम चीज़ मेरे से खानी ना पड़ जाए तो मैं उबले हुए अंडे वहाँ पर आराम से खा लेता था ताकि वो हलाल होते हैं तो दरख्वास्त ये है बताने का मकसद ये है कि जब कोई चीज़ समझ ना आए तो बेहतर है कि उसको छोड़ के कुछ और खा लिया जाए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे तहजीब बेकर कर से मैं एक केक लेके आया जो शायद उनका सबसे बुरा केक होता है तो मैंने उन्हें बताया कि अगले दिन कंप्लेंट किया उसकी स्मेल बड़ी गंदी थी फलाना था तो उन्होंने बताया कि नहीं ये तो लोग इसको इस्तेमाल ही किसी शरबत वगैरह के साथ करते हैं ये नॉर्मल बंदों को अच्छा नहीं लगता यानी उसके लिए आपका नशे में होना ज़रूरी है मैं शुक्र अलमदिल्ला किया कि वो अच्छा नहीं लगा फिर मैं दोबारा वो खाया भी नहीं वो शायद आलू बुखारे का केक था या क्या था लेकिन उसकी गंदी स्मेल थी लेकिन वो कहते हैं कि वो जो लोग शरबत पीते हैं उनके लिए उनको बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने शुक्र अल्लाह का हम शरबत से दूर ही हैं तो इसलिए जो है वो केक भी हमें अच्छा नहीं लगा तो मेरा ख़्याल है कि नई नई ट्राइयाँ करने के बजाय जो चीज़ें हमें मिलती हैं वह हमें खा लेनी चाहिए अभी बच्चे मेरे नूडल्स खाते हैं जब बन के आती हैं कमरे में बैठने को दिल नहीं करता लेकिन वो शौक से खा रहे होते हैं तो माँ बाप तो एक आध दफे मना कर सकते हैं कि बेटा बिल्डिंग से जंप करोगे तो चोट लगेगी लेकिन बच्चा बजीद हो तो फिर जंप कर लेने देनी चाहिए क्योंकि चोट तो उसको लगनी है फिर उसे समझ भी आ जाती है क्योंकि हमने सारे काम किए तो हमें पता चला है <laughs> बिल्डिंग से छलांग लगाने पर चोट लग जाती है तो जब हम अपने बच्चों को बताते हैं तो वो समझ देना पता है तो इसलिए सारे बच्चों को समझ होनी चाहिए कि जब मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं उसे मना हो जाना चाहिए सलामत रहें खुश रहें मेरे चैनल को देखते रहें सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और मिलते हैं जल्द अगले एक, एक और बिला के साथ अस्सलाम वालेकुम